हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स जूई। और मैं हूँ जूई। मैं बस अभी अभी एक वीडियो शूट कर रही थी और वीडियो शूट करने के बाद मैं मेरी मेकअप को रिमूव करती हूँ। देन उसके बाद मैं कुछ मेरी स्किन केयर रूटीन करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ना ये जो स्किन केयर रूटीन में वीडियो शूट करने के बाद करती हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो आज की वीडियो होने वाली है माई स्किन केयर रूटीन आफ्टर शूट माई यूट्यूब वीडियो। तो चलिए गाइस, देर किस बात की, हम वीडियो में मूव ऑन करते हैं। और जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी, सारे प्रोडक्ट के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो जरूर चेकआउट करना। तो चलिए आज के वीडियो में मूव ऑन करते हैं। गाइस, मेकअप रिमूव करने की सबसे पहले तो मैं जो जो ज्वेलरी पहनती हूँ उसे मैं रिमूव करती हूँ। तो वही सेम काम मैं यहाँ पे भी करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ज्वेलरी को रिमूव कर लूँगी। और उसके बाद मैक्सिमम टाइम मैं मेरी DIY जो मेकअप रिमूवर है इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ और इसे आप किस तरीके से बना सकती हूँ इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ पहले ही एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। सो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखा है और देखना चाहते हैं, लिंक आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो चेकआउट करना। सो मैं इसे ही लेती हूँ एंड देन एक कॉटन पैड लेती हूँ। और फिलहाल मेरे पास जो है वो है बेला कॉटन्स। तो एक कॉटन पैड में लेती हूँ, कॉटन पैड, कॉटन बल्स जो मेरे पास होते हैं अवेलेबल, मैं उससे ही काम चला लेती हूँ। आई एम सॉरी गाइस, लाइटिंग की आई थिंक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं सनलाइट में शूट करती हूँ, सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती रहती है। सो देन मैं इसे क्या करती हूँ, मेरा जो मेकअप है उसके अंदर मैं टैप टैप करते हुए लगा लेती हूँ। जो कॉटन पैड है उसे भी मैं इसके अंदर डीप कर लेती हूँ। चलो उसे मैं थोड़ा बहुत प्रेस करके रखती हूँ बस इस तरीके से मेकअप के ऊपर एंड देन एज यू कैन सी गाइस, कितने अच्छे से जो मेकअप है वो रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहले बस इसी तरीके से मैं मेरी जो मेकअप है उसे रिमूव कर लेती हूँ। ओके, देन मैं करती हूँ मेरे फेस को वेट कर लेती हूँ फेस वॉश करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं मेरे फेस को टोटली वेट कर ली हूँ और मैं फेस वॉश के लिए यूज़ करती हूँ बायोटिका बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश। इसकी जो रिव्यू होगी वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसे मैं फिलहाल यूज़ कर रही हूँ कुछ दिनों से। ओके, तो इसकी मैं एक पंप ले लेती हूँ एंड देन मैं उसे पूरे फेस में अच्छे से बस लगा लेती हूँ। इस फेस वॉश को मैं थोड़ा बहुत मसाज करते हुए ही लगाती हूँ टोटल फेस पे। तो ये जो फेस वॉश है एक आयुर्वेद फेस वॉश है, इसीलिए कुछ ज़्यादा बबल क्रिएट्स नहीं होती है, फोम कुछ ज़्यादा क्रिएट नहीं होती है। सो ऐसे ही मसाज करने के बाद मैं मेरी फेस को नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ। सो एज यू कैन सी गाइस, मैं मेरी फेस को अच्छे से वॉश कर ली हूँ नॉर्मल पानी से और अब मैं इसे बस पैड ड्राई कर लेती हूँ। देन मैं फेस टोनर के लिए यूज़ करती हूँ डबल गुलाबी रोज वाटर। और बस कुछ सेकंड हमें वेट करना होता है इसे ड्राई हो जाने के लिए। और जब तक मेरी टोनर एब्जर्व होने लगती है तब तक मैं मेरी लिप्स मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। तो लिप मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की पीना कोलाडा लिप बाम। एक्चुअली लिप्स मॉइस्चराइजिंग के लिए मेरे सामने जो मिलता है मैं उससे ही काम चला लेती हूँ। सो फिलहाल तो मेरे पास गुड वाइब्स की ये जो पाइनएपल लिप बाम इसे ही मिला है। और इस लिप बाम की जो फ्रेग्रेंस फॉसम है टोटली पाइनएपल की जो स्मेल होती है उस तरीके का होता है और बहुत ही अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसे लगाते लगाते हमारी जो टोनर है वो टोटली फेस में अब्जर्व हो चुकी है एंड देन मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखने के लिए, क्योंकि समर सीजन चल रही है सो स्किन हाइड्रेटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो उसके लिए मैं एलोवेरा जेल को अच्छे से फेस पर लगा लेती हूँ टोनर के बाद।
एंड देन इसे पूरे फेस में नेक में लगाने के बाद भी हमें बस एक मिनट तक वेट करना होती है इसे भी एब्जर्व हो जाने के लिए। एंड देन फेस मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी हिमालय बेबी क्रीम, जो कि मुझे काफ़ी 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 हद तक पसंद है और इसकी रिव्यू भी इसके पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर आप देखने में इंटरेस्ट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन पर मिल जाएगा, सो जरूर चेकआउट करना अगर आप देखना चाहते हैं तो। और ये जो क्रीम है ये खास करके ऑयली स्किन के लिए समर सीजन में बेस्ट क्रीम है मुझे। और इस बेबी क्रीम में कोई भी पैराबेंस नहीं है, मिनरल्स ऑयल्स नहीं है, सिंथेटिक कलर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी हद तक पसंद है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ समर सीजन में एज अ मॉइस्चराइजर। देन मैं इसे अच्छे से लगा लेती हूँ मेरे फेस पे, अच्छे से इसे मसाज करती हुई मैं अप्लाई कर लेती हूँ। क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद मैं कुछ ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, तो इसीलिए मैं सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना होती है तो इसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करके जाती हूँ। सो गाइस बस ऐसे ही चलती है मेरी स्किन केयर रूटीन वीडियो शूट करने के बाद, मेकअप को रिमूव करने के बाद। सो आई होप मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर लगा है ना तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब देना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। सो मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Love you all, bye-bye.